खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गुड इवनिंग सर। तो राजन सर इज मैजिकल इवनिंग सर। कांग्रेचुलेशंस सर, बहुत 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 बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत थैंक यू। अच्छा लाइट चालू करना, लाइट चालू करना तो बंद कर। थैंक यू बधाई राजन सर। थैंक यू, थैंक यू दादा। राजन दादा, राजन सर कांग्रेचुलेशंस सर। कांग्रेचुलेशंस राजन सर, वेरी हैप्पी फॉर यू सर। थैंक यू सो मच। चल राजसी कांग्रेचुलेशंस सर। तो खाली पता था कि मियारा क्या मायरा के क्या लो मिराया मैम। हाँ मिराया, मिराया के बारे में ही मैम आप लिखी थी, अब दूसरे के बारे में क्या लिखी बताइए। ओके यस, थैंक यू वेरी मच। आई हैव गॉट ऑल द विशेस। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। इतनी सारी ब्लेसिंग्स एंड यू नो सो मेनी मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सो हमारी एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि हम सब पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं, होप द मदर एंड द बेबी इज फाइन। कैन यू इंप्रूव दिस सेंटेंस? व्हाट कैन यू यूज इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस? सभी लोग ने फोन किया है, बहुत लोगों ने यह भी पूछा, होप The mother and the baby are fine. तो हम क्या बोलेंगे? सर हमारे कास्ट में तो बोलते जच्चा एंड बच्चा। क्या बोलते हैं? जच्चा एंड बच्चा, बोथ आर फाइन ना, दोनों ठीक है ना। नहीं नहीं हम क्या देखो लोग क्या क्या पूछते हैं, होप द बेबी एंड द मदर इज फाइन। सर ये जानकर बहुत खुशी हुआ कि वो दोनों बहुत अच्छे हैं। That's the way that is manifestation. ये जानकर बहुत हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बेबी और माँ दोनों बहुत फिट एंड फाइन है, एकदम बढ़िया है। यस सर। इसको इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, खुशियों की बौछार से माहौल एकदम सुधर रहा है, सुधर गया है। यस व्हाई शुड वी हैव अ डाउट कि भाई कुछ तो भी यू नो द हेल्थ कुड बी रॉन्ग समवेयर और समथिंग। आई होप, नो आई डोंट होप, थैंक यू गॉड, मतलब विद द ब्लेस गॉड्स ब्लेसिंग द बेबी एंड Mother is fine. I'm so happy. I'm so glad. I'm so glad that the mother and the baby are fine. Are you getting this? हमने ये word ये नहीं use करना. I hope the mother and baby is fine. नहीं. Right? Okay. Yes, sir. So this is just one of the learnings that I learned. So anybody has got any share? जी, anybody wants to share something or any questions? So before we start, so Anshu ji are लेने वाली है 9 o'clock. Yes sir. We have got another 8 minutes more. Yesterday I think there was some confusion. If the person is there, at least I think we can clear it. Okay, so nobody has got any sharings. So I will like to share something now then. Yes, sir. So I would like to, So what is an important factor in manifestation? जब हम manifestation करते हैं तो एक important factor होता है हमारा attitude. Yes, sir. अब attitude क्या होता है, मतलब हमने कोई बड़े सपने देख के रखे हैं और सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, वो है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है? When our attitude is right, our abilities reach a maximum of effectiveness and good results inevitably flow. जब हमारा एटीट्यूड अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो मैक्सिमम इफेक्टिव होता है हमारे मैनिफेस्टेशन पूरे करने के लिए।
हमारे सपने पूरे करने के लिए जो हमें चाहिए वो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अवर एटीट्यूड्स आर पॉजिटिव वी अकम्प्लिश अवर ड्रीम्स एंड गोल्स फास्टर. जब हमारा एटीट्यूड सही रहता है तो हम हमारे सपनों को अच्छे से फास्ट पूरा कर सकते हैं. वर्क ऑन योर एटीट्यूड्स. बी अ पॉजिटिव पर्सन. नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग. जब हम नेगेटिव बातें करते हैं तो हम हमारे सपनों से दूर हो जाते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. उसमें होता क्या है, एक कंसल्टेंट रहते हैं, उनको एक कंपनी से ऑर्डर मिलता है. अब वो कंपनी लॉस मेकिंग होती है. इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड दे अपॉइंट द कंसल्टेंट कि भाई इस कंपनी में क्या इंप्रूवमेंट लावे तो हम वापस प्रॉफिट में आ जावे. अब वो कंसल्टेंट कंपनी को विजिट करने को जा रहे रहते हैं तो द डिस्टेंस इज अबाउट 45 मिनट्स ऑफ कार ड्राइव. तो जाते जाते 45 मिनट्स तक वो दोनों कंसल्टेंट मजाक उड़ाते रहते हैं वो क्लाइंट का, मतलब अंदर अंदर. व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टू द कंपनी एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट क्लाइंट. मतलब बेवकूफ आदमी है, कुछ भी नहीं समझता, अक्कल ही नहीं है. एंड दे स्टार्टेड ऑल नेगेटिव थिंग्स टॉकिंग अबाउट दैट क्लाइंट. उसको समझता ही नहीं है, इतने बड़ा कंपनी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसने ये गलती कर दी उधर, ये उसने ये गलती कर दी. एंड नेगेटिविटी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब आप कोई नेगेटिव बातें करते हो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव टॉक्स कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिव टॉक्स. बराबर है ना. हम एक बार किसी की बुराइयां करना शुरू कर दें फिर खोद खोद के और निकाल देते हैं, अरे वो तो मोटा है, वो तो वैसा है, यू नो. एंड दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग के वो तो बहुत मोटा आदमी है, वो तो पागला है. मतलब अगर कुछ भी उसको सही आता है तो सिर्फ उसे इंग्लिश बोलना ही आता है, बाकी मुझे तो लगता है उसे कुछ आता ही नहीं है. ऐसी सब नेगेटिविटी करके वो लोग जब वहां क्लाइंट के पास जाते हैं आफ्टर 45 मिनट्स, तो थोड़ा टाइम जो उनका मीटिंग चलता है, नेक्स्ट डे वो क्लाइंट उनको लेटर लिखता है कि भाई वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ योर सर्विसेज. उनका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. सो नोबडी हैज अचीव्ड एनीथिंग इन देयर लाइफ बाय बीइंग नेगेटिव. रिमेंबर दिस. अगर आप अपने क्लाइंट के बारे में नेगेटिव बातें करोगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. रिमेंबर दिस. ये बात से मुझे एक बात याद आ रहा है कि हमारा एक म्यूनिसिपल कमिश्नर था नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत स्ट्रिक्ट था, तुकाराम मुंडे. तुकाराम मुंडे इज जो महाराष्ट्र के हैं, आईएएस ऑफिसर था, बहुत स्ट्रिक्ट था, यू नो, किसी की बात ही नहीं सुनता था. अब किसी की बातों में आके कोविड के टाइम पे 3 साल पहले या 4 साल पहले ही वॉज इन नागपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया. एंड इट वॉज वेरी अपसेट फॉर मी. मतलब बहुत, इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. अब वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा मिलने को. एक बार कैसे तो भी मैंने फिर पॉलिटिशियन से बात करके फिर उसका मीटिंग अरेंज किया. नाउ आई वॉज सिटिंग विथ माई प्रोजेक्ट मैनेजर्स केबिन के बाहर. वो लोग मुझे ब्रीफिंग दे रहे हैं तुकाराम मुंडे के बारे में एंड दे वर टॉकिंग ऑल नेगेटिव थिंग्स. मैं बोला नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, अपनी सब बातें सुनेगा, ही इज अ वेरी गुड मैन. सो आई वेंट इनसाइड विद पॉजिटिविटी एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ग्रेटिट्यूड. ये मैं जो ग्रेटिट्यूड करता रहा उसकी वजह से मेरे में ये बदलाव आया. अदरवाइज जिस आदमी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया हो उसके बारे में मैंने पॉजिटिव सोचना इज मतलब आ ही नहीं सकता था. यस सर. You will not believe, for 15-20 minutes I was there outside his cabin. मैं सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा था. And then when I went inside, he listened to me the full thing and he made me sit for 15 minutes. पूरा का पूरा मेरा बात समझा उसने. And बोला, you come again tomorrow, I will see what I can do. Are you getting this? अगर हम yes, sir. पास भी जाएंगे, कोई नेगेटिविटी लेके जाएंगे कि नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं होने वाली, या हम कोई ऑपरेशन में भी जाते हैं कि नेगेटिविटी लेके जाएंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आप कोई टेस्टिंग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, इफ यू आर वेटिंग फॉर सम मेडिकल रिपोर्ट्स,
बी पॉजिटिव फॉर द रिपोर्ट, दिस इज द टेक्निक, यही टेक्निक है. और अगर आप नेगेटिव हो जाओगे फॉर एनी पर्सन इन योर लाइफ, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग. और ये बुक के अंदर लिखा था कि उस आदमी ने एक बहुत, जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिस कर दिया ओनली बाय बीइंग नेगेटिव इंस्टेड ऑफ दोज पीपल द कंसल्टेंट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, दे वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग दिस? Yes, वो जो क्लाइंट था उनकी मजाक उड़ा रहे थे, बोले वो तो मोटा आदमी है, अक्ल ही है, मतलब बुद्धि तो उसके पैर में है, घुटनों में है, ये वो, दुनिया भर की बातें अपन करते हैं ना नेगेटिव सब किसी के बारे में. एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्ट्रैक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. सो इवन व्हेन जेनिता वॉज देयर, जब डिलीवरी देने गई थी तो छाया ने बहुत ही बढ़िया, यू नो, शी मेड हर डू ग्रैटिट्यूड. उसको बार बार रिमाइंड कराया कि यू ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, क्योंकि माइंड खाली रखा ना तो ऑटोमेटिक नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट. द रीजन इज इतनी सारी नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट किसी का भी माइंड नेगेटिव सोचता रहता है. लेकिन अगर हम ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस रेगुलरली करते जाएंगे तो धीरे 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 we are able to divert our mind into positivity. अब हमें पता है कि अगर डर लगता है, चिंता होती है, एंजाइटी होता है, तो हमें क्या करना, which is possible only if you are doing gratitude practice regularly. That is the biggest advantage. I remember some sharing in our group, उसका operation हो रहा था, she was able to say thank you to the doctor, nurse का thank you कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और बढ़िया operation ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन तक तो उठना नहीं है बेड के ऊपर से. आफ्टर 4-5 days शी वॉज एबल टू वॉक. Somebody has shared in our group. This is the power. You see, when you are positive, happy chemicals release होते हैं हमारे बॉडी में. And when you are negative, cortisol और जो 2-3 जो negative chemicals होते हैं वो release होते हैं. जब हम हैप्पी रहते तो डोपामाइन जैसे जो पॉजिटिव केमिकल्स है जो आपको हैप्पी रखते हैं वो रिलीज होते हैं. ये चिंता जो है ना, ये माइंड का गेम है, ये वो आपको करने को लगा देगा, चिंता चिंता चिंता. आई यू, डू यू नो एनी पीपल, मतलब वो आते हैं वो सीधा, यस, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन आर द पॉजिटिव हार्मोन्स एंड कॉर्टिजोल एंड वन मोर केमिकल, दे आर ऑल नेगेटिव केमिकल्स. तो जैसे हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारे बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है. एंड डोपामाइन एंड सेरोटोनिन मेक्स यू फील हैप्पी, स्ट्रेस कम हो जाता है, यू फील गुड. ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं. अब हमें सेरोटोनिन डोपामाइन हमने देखा नहीं, कुछ दिमाग मत लगाओ, सिंपल है. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव केमिकल, राइट? यस सर. It's simple. You have to focus on good things. You have to focus on solutions. Focus on solution. The consultants lost their contract only because they were focusing on the problem. Focus on the solution. Ab main kya kar sakta hun? What can I do to make some money? What can I do to improve my health? What can I do to be positive? What can I do to change my attitude? What can I do to give a better service to my clients? आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे आपका माइंड को, आपका माइंड वैसे रिप्लाई करता है. इसके लिए मैं पूछता हूं क्वेश्चन, एक लाइन में बताओ मुझे, कंफ्यूज मत करो. आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, आपके माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, सबको कर रहे हो. But if you ask the question, a right question, I am training you that your mind will give you the answer. आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Because your mind knows all the answers. That is the technique I wanted to teach you. Your mind knows all the answers. So when you ask the right question, straightly, how can I do it? मैं ऐसा क्या करूं
कि जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जावे, या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जावे. द मोमेंट यू आस्क द राइट क्वेश्चन योर माइंड विल गिव यू द आंसर बिकॉज योर सबकॉन्शियस नोज ऑल द आंसर. आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो थैंक यू एंड इट इज 9 o'clock. सो लेट्स क्लैप एंड से टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज तो मजा आने वाला है, आज तो मजा आने वाला है. राजन सर गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन राजन सर, आपको बहुत बहुत दादू बन गए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हर पार्टी बनती है. यस यस, एक पार्टी जरूर बनेगी. थैंक यू सो मच. ओके, गुड इवनिंग सर. दिस इज अमृता. हैप्पी फॉर लकी, आपका नागिन दास का सपना पूरा होगा. ओके यस, कैन आई शेयर प्लीज? हाँ जी यस अमृता. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस सर, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली. Sir, right now I am in Singapore and I had a fabulous exhibition, sir. I loved it. Wow, मैं अमृता को ढूंढ रही थी. Thank you. मैं ढूंढ रही थी अमृता को. I love you very much. Wow, I'm only awake. It's nearly 12 o'clock, but I'm awake just to share it with you, sir. Thank you. I was a rocking star there. Yes, I was searching you, Amrita. I was searching Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Anshu ji. I love you and thank you to everyone. Really, thank you. It was a great experience. थोड़ा share करें. What did you do? Congratulations, Amrita ji. Thank you, Neha. Thank you for your support. Love you. Okay, आपने ऐसा क्या किया? Sir, I deal with Lucknowi kurtas also apart from my jewelry business. This was my first overseas exhibition in Singapore, and I had a fabulous experience. Now, what I do? I write 10 gratitude blessings every single day, non-stop. Yes, books, yes, after books, sir. Books after books. And I kept writing, thank you, Singapore, for a bumper exhibition. Thank you, IWA, for super sales. As said by Anshu ma'am, she was fabulous guidance for me, sir. She helped me through. And every day, 10, 20 pages, I would just write gratitude, sir. Yes, eating, sir. Sleeping, it was just thank you for all the members, everyone who has helped me. And sir, believe me, your words, I'm a winner today. Only yes, because sir. Of you. Yes, sir. I'm so happy for Amrita. I'm so happy. Oh my God, too good. Sir, I'm so happy for Amrita. You are on mute. Amrita, you are Amrita, on mute. Amrita, apne aap ko unmute karo. And sir, at 4 o'clock in the exhibition, my first time in Singapore, they came running. Amrita kaun hai? Amrita kaun hai? We want to come to Amrita's stall. Sir, this has never happened in my life. I've done 10 exhibitions, but this was fabulous. Thank you, sir. I love you, sir. Amrita, you did it. You rocked it. You did it. I'm so happy from the bottom of my heart. Thank you for all your guidance. Thank you. You can see I'm red with happiness. Every minute of my day for the last 5 days was just gratitude. Khate, peete, sote, jaagte. Was just gratitude. Just to yes, sir. Indigo plane, Singapore airport, Indigo airport. Sir, she had showed me her copy, her gratitude journal also, ki what all she wrote. Mujhe sara din dikhati thi, har din dikhati thi. And she used to always tell, jaane ke pehle bhi boli thi ki kal mera flight hai, hum ja rahe hai. Yes. And tan man ke sir, tan man. Love you, dear. Love you. Visualization. Every episode was visualization at least 5-6 times a day. 8-8 minute ka sir, I did it only for you. And you, Anshu ji, thank you. You did it. Let me summarize what all things Amrita did to accomplish her dreams. Ek to unhone gratitude likhna band nahi kiya. Continuously, she was in gratitude. Second thing was visualization. Third thing was she was very positive. She was very happy. Ye char cheez hain. This is what she did. And dekhiye what happens. And this can happen to everyone. Yes, sir. One can be a winner. Yes, we all are a winner because correct, sir. Correct. I am the creator of my life. I create my life. Aur ab pehle hum kya karte the? We were creating our life in the wrong manner. Negativity jaate the, buraiyan karte the, gossiping karte the. Kuch bhi negative ho gaya to fir bas negative. Arey nuksan ho jayega, ye ho jayega. Singapore jaake kuch nahi hoga. Yes. Acha ho jayega. You know all those sort of things. Yes, sir. Very true. You take inspired actions.
इंस्पायर्ड एक्शंस कैसे होती हैं? यस आई कैन डू इट, मैं करके आऊंगा, मैं तो जीत के आने वाला हूं. एंड रिमेंबर दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ, दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू राजन सर, हमने आपको यानी की शादी पे बहुत मिस किया. हाँ, मैं एक दिन के लिए आया था, सो आई हैड कम ओनली ऑन द लास्ट डे. जब आप आए थे तब आप म्यूट हो गए हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द राजन सर. हाँ जी राजन सर, मैं आपके लिए बुके भी लेके गई थी मेहंदी वाले दिन. सर आई टू वांट टू शेयर वन थिंग, जस्ट सीइंग एक्साइटमेंट ऑफ अमृता दी. भाई करो अभी मैडम के घर. Yes, I will be coming to Delhi abhi. कल मैडम, कल हम मैडम के घर इनवाइटेड हैं, आशिम मैम के घर जा रहे हैं हम गुड़गांव. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वेरी नाइस, एंजॉय योरसेल्फ. सो एक मिनट अंशु जी. यस सर, आई एम हियर. ओवर टू यू प्लीज. यस सर, आई एम हियर. सो जस्ट आई एम जस्ट. हां जी, नेहा शेयर टिल दैट टाइम. या या टिल नेहा, प्लीज प्लीज. ओके, सो अमृता दी ने अभी शेयर किया, मेरे साथ भी लास्ट 3 डेज से सर ऐसा ही मैजिक हुआ. वो बुक में पढ़ा था डेवलपर रिलेशनशिप विथ मनी, तो लाइक कोचशिप में या जब मतलब उस टाइप का जब रिलेशन एक डेवलप होता है सर, आई डेवलप द सेम रिलेशन विद द मनी, कि उसका ना कभी बुराई करना एंड टू लव इट. और विद दैट आई यूज टू डू द मनी सर्कल. तो सर ऐसा हुआ कि वन ऑफ अ वेरी गुड क्लाइंट, आई यूज टू राइट एफर्मेशन एज उसका शादी था, एंड मैंने उनको क्लोथ भेजा. फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लाइंट बॉट अ क्लोथ वर्थ ₹2 lakh, एंड नॉट ओनली दैट, शी रोट दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल कलेक्शन. सर शी इज अ वेरी टॉप नॉच एंड शी ऑलवेज बाय ब्रांड. आई टोल्ड थैंक यू मैम, माइंड क्लोथ ब्रांडेड तो, बट स्टिल लाइक इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड बट द पीसेस दैट यू गिव, इट्स अमेजिंग. एंड सर फिर सेकेंड डे भी वही हुआ, अ क्लाइंट स्पेशली फॉर रायपुर came to my place in Calcutta, and subah 8 o'clock आई सर, एंड वो 20 कपड़ा लेकर गई होगी. ग्रेटिट्यूड तो सर लिख ही रहे हैं. वो 20 में हम पूरा विजुअलाइज किए, पूरा कैलकुलेशन किए कि वो क्या क्या ले रही है. नेक्स्ट डे सर 99% वही क्लोथ्स वो ली, एंड अगेन सेकेंड डे आई गॉट अ सेल ऑफ 1,40,000. नेवर इन द करियर ऑफ 10 years 2 दिन ऐसा सेल हुआ मेरा. इट्स जस्ट अबाउट राइटिंग ग्रेटिट्यूड एंड सर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ मनी. की वो जो एक बार मनी आया ना, व्हेन आई सॉ इट जस्ट व्हाट टीयर्स टू माय आईज. की नॉट की मेरे पास इतना पैसा आ गया आई बाय दिस, बट वो जो एक रिलेशन बिल्ड किया ना, एक पॉजिटिव रिलेशन, सो दैट रियली हेल्प एंड दैट गेव अ लॉट ऑफ अबंडेंस. सो सर जस्ट दिस जर्नी इज जस्ट कैरिंग ऑन एंड रियली एंजॉयिंग दिस जर्नी अ लॉट. वाओ, people are creating magics in the life. Yes sir, so, yes sir. वो जो visualize कर रही है वैसे ही कपड़े लेके जा रही है, ये कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है. And I am the creator, you are the creator, you can create your life. Yes sir. And so the best part, वो लोग इतना appreciate कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको पता है आपका सबसे reasonable है, still अगर आपको कुछ मन तो कम कर दीजिएगा. And so they are loving the clothes, which is more important for me. They are so satisfied kharid kar and suggesting others. So sir this is matlab sir kamai ke sath sath dua bhi kama rahe, which is really important and what really I matlab I look always forward for. Wow, so now this is, see, these are all the tools jo gratitude cards jo banaye hain wo aapka ek tool hai, usko aapne use karna hai. और उसका जो असाइनमेंट है वो जरूर करिए. आई एम टेलिंग यू दिस इज द वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आपको ये सब टूल्स की जरूरत पड़ेगी और आप अपने असाइनमेंट जरूर करना. यू आर इन अ वर्कशॉप, क्रिएट मैजिक्स इन योर लाइफ एंड एवरीबडी कैन डू इट. सो थैंक यू अंशु. सो अंशु जी आई हैव टू लीव. सो ओके सर, ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो या टू पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स. ये बुक मतलब कि पढ़ने के लिए कार्ड्स की कुछ शेयरिंग है तो हम बाद में लेते हैं, और अगर कार्ड पढ़ना है तो देन जस्ट गिव मी अ मैसेज, चैट में टाइप करें.
Neha, you have raised your hand for your book, this card reading, or your sharing is over? Yeah, thank you so much. Okay. So, really, I'm so happy for Amrita. You did it, you rocked it, you nailed it. And I'm so happy. And this has all happened just because of the power of gratitude. ये जो लिखने मेरी आवाज आ रही है सबको ओके थैंक यू सो मच सोनिया सो ये है ना कि ये कहते हैं कि हम सबसे होता है ना कि द पावर इज विद इन मी द पावर इज विद इन मी हम चाहे तो हम कर पाएंगे नहीं चाहेंगे तो हम एक चम्मच भी नहीं हिलाएंगे है कि नहीं हम नहीं चाहेंगे तो एक चम्मच भी नहीं हिलेगा हमारा हम चाहेंगे तो हम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं है ना फतेह कर सकते हैं यही नहीं चंद्रयान यहां से हम कंट्रोल कर रहे हैं चंद्रयान जो गया है जो लैंडर वहां में गया है रोवर वो जो गया है वहां पर उसको हम यहां से कंट्रोल कर रहे हैं राइट जब हम मर्जी होती है हम उसको चालू कराते हैं हॉप करवा रहे हैं जब मर्जी नहीं है उसको स्लीप मोड में डाल रहे हैं ये मेरा पावर है हमने अपने दिमाग से ये सारा कुछ बनाया है आज जो हम ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं ये लैपटॉप भी इंसान का ही ब्रेन है ये किसी ऐसे अपने से नहीं उपजा है ये एक इंसान के ब्रेन ने ही इसको बनाया है और हम इसमें क्या से क्या करते हैं तीन मतलब इधर उधर ये आगे पीछे मतलब व्हाट नॉट वी आर डूइंग वी आर क्रिएटिंग तो वी आर द क्रिएटर जैसे सर बोलते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ बस ये है कि विश्वास अपने ऊपर विश्वास होना है कि हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यस मुझे करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए क्या चाहिए क्यों चाहिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और फिर जैसे द मैजिक का हमने जो रोंडा बर्न की जो बुक्स की सीरीज है तो सबसे पहले सीक्रेट बनी उसके बाद मूवी बनी उसके बाद तो कहते हैं कि अश्विन मैम जितने मेंटर्स हैं राजन सर सबका ये कहना है कि पहले मैजिक बुक कर लो 28 डेज 28 प्रैक्टिसेस थरोली वर्ड टू वर्ड कर लो सी हाउ इजी इट इज है ना मैजिक बुक करो बेटा हाँ हाँ नमस्ते मैडम मैडम ये अभी दोनों जो शेयरिंग की है अमृता मैडम और एक वो जो जिनका बुटीक है उनसे आप ये आपको भी जानकारी है वो बुटीक वाले जैसे थे उन्होंने कितने समय पे से चालू किया और रिजल्ट तो उन्होंने बता दिया लेकिन कब से कर रहे हैं वो मतलब हम लोग अभी हमको भी प्रैक्टिस करने के लिए गाइड कर पाएंगे वो ठीक है बताएंगे अभी पहले ये कार्ड्स कर लेते हैं उसके बाद में हम फिर से उसका बात कराते हैं और कितने समय से कर रही है वो जो सिंगापुर उन्होंने विजिट कर लिया उसका हाँ ये बताते हैं बात करते हैं पहले कार्ड्स हो जाने दीजिए हम फिर करते हैं क्योंकि मुझे स्क्रीन पे अभी दो ही तीन दिख रहे हैं क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं और डेफिनेटली 9:30 के बाद में हमारे पास समय है और हम बात करते हैं है ना तो पहले ये कार्ड ले लेते हैं उसके बाद में तो ये होता है कि अभी कितने समय से कर रही है अभी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितने समय से कर रही है कब तक करना है कितने दिन तक करना है कब से शुरू किया है जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स के पास में ये टाइम बॉन्ड नहीं है यूनिवर्स टाइम नहीं जानता है आप दिन रात लगा लो तो आप दिन रात मतलब कि आप पर है हम पर है हमारे अंदर में वो आग कितनी है हमारे अंदर में वो जिद कितना है कि हमें क्या करना है कैसे करना है आजकल अभी देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है ना भगवत गीता के जो है 700 श्लोक एक साथ पूरा कंठस्थ याद है उसमें अंताक्षरी खेल रहे हैं पहला लाइन बोलो एक शब्द बताओ तो उसके साथ में वो श्लोक कौन से चैप्टर का है किस अध्याय का है कौन सा श्लोक है कौन सा लाइन है वो बता रहे हैं कैसे मेमोराइजिंग हाउ दे आर एबल टू मेमोराइज हाउ दे आर एबल टू बिकॉज उन्होंने जिद पकड़ा है कि हमें ठान लिया है कि हमें ये करना है तो करना है ना तो ये डिपेंड करता है हम पर अगेन उसका अगर 1 वीक में हो गया है तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा भी 1 वीक लगेगा हो सकता है मेरे 1 दिन में हो जाए क्या हो सकता है मेरा महीनों लग जाए अरे उसका 1 महीने में हो गया 1 दिन 1 वीक में हो गया मेरा 1 वीक क्यों नहीं लग रहा मेरा 1 महीना क्यों लग रहा है तो हमारा अभी आज के शुरुआत में सेशन के शुरुआत में राजन सर ने कहा कि मेरा एटीट्यूड कैसा है
अगर हमारा कोई काम होना है, इफ आई हैव टू अकॉम्प्लिश एनी ड्रीम और गोल फास्टर, देन व्हाट एटीट्यूड शुड आई हैव? आई शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, तब हमारा काम जो है बहुत जल्दी होगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, सभी जगह लोग जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, वापस यहाँ भी है, मॉर्निंग से चल रहा है क्लासेस, हम भी अटेंड करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ यहाँ पर आके मेंटरशिप कर रहे हैं, हम मेंटर बन गए तो हम बहुत बड़े हैं। आई एम ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। तो बचपन में जब जैसे होता था कि हम लोग घर स्कूल से घर आते थे, हमारे घर में सब टीचर है, तो हमें भी लगता था कि शौक चढ़ता था, तो हम भी क्या करते थे, अपने डॉल्स को, मेरी बेटी भी वही करती थी कि अपने डॉल्स को, टॉयज को सबको सजा लेती थी, रूम बंद कर लेगी, एक साड़ी या दुपट्टा डाल लेगी और टीचर बन जाएगी, और जो उसको स्कूल में पढ़ाया गया है वही सारा कुछ वो अपना लेकर के पढ़ाने लग जाती थी। देखो पढ़े समझे, ये इसको ऐसे लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसको अलग से उसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो टीचर बताया वही बता बता करके वो अपना लर्निंग करती थी, उसका लर्निंग होता था इस तरह से। तो अभी हम भी यहाँ जब बैठे हैं, चाहे हमारे पहले कल भी मेंटर आई थी या जो भी आते हैं मेंटर्स, हम भी कहीं सीख रहे हैं, हम भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे आके बैठते हैं और जब आपसे बातें करते हैं, बताते हैं, तो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम कुछ आपसे सीखते हैं, आप कुछ हमसे सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो है वो ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो एक बॉन्डिंग होती है ना। तो अगर ऐसा लगता है कॉन्ट्रोवर्सीज ये वो, हम नहीं चाहते हैं हमारा, और कहने का मतलब है कि जितना जिस एटीट्यूड के साथ में हम बैठेंगे, जिस एटीट्यूड के साथ में हम यहाँ लिखेंगे, और जिस एटीट्यूड के साथ में हम यहाँ पे शिद्दत किस शिद्दत के साथ में हम जो कर रहे हैं करेंगे प्रैक्टिस, तो देखो कितना फास्टर होगा। ये कि हम उसको पकड़ के रह जाएंगे कि नहीं नहीं ये मेरा इतने दिन में हो ही जाना है, मैं लिख रहा हूँ, मुझे हो ही जाना है, मेरे लिख रहे हैं, ये मेरा काम इतने दिन में हो जाना है, अगेन यू आर होल्डिंग इट, और जितना होल्ड करोगे उतने हाथ से फिसल जाएगा, तब ध्यान पूरा हमारा इसमें नहीं जा रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, मुझे इतना करना है, मेरा हो जाना, मेरा करना, मेरा हो जाना है, नहीं, मुझे शिद्दत से करना है। रिजल्ट, एंड रिजल्ट यूनिवर्स देखेगा, यूनिवर्स पे है एंड रिजल्ट। ऐसे इनके साथ, अमृता के साथ खासकर मेरा बहुत ज्यादा, एटलीस्ट वीक में 3-4 बार तो कॉल कर ही लेती है, वो बात कर ही लेती है, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है तो कहती है, तो हम बोल रहे कि नहीं सब सही हो जाएगा, यूनिवर्स विल गिव यू समथिंग मोर, डोंट वरी, यूनिवर्स गिव यू, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, एंड यस, आज मैं इतनी खुश हूँ कि लग रहा है जैसे कि मैं ही पूरा फतेह करके आई हूँ वहां पर। तो किसके साथ कौन कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, सबके प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, सबके हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। मेरे हाथ का ही 5 उंगली है, ये 5 है, तो ये 10 का 10 फिंगरप्रिंट लेंगे तो अलग है, एक फिंगरप्रिंट नहीं है कि मेरा प्रैक्टिस इतने दिन में हो गया है तो आपका कितना दिन लगेगा, आपके इतने दिन में हो गया तो मेरा कितना दिन लगेगा, कितने दिन मुझे एंजॉय करना है उतने दिन मुझे प्रैक्टिस करना है, कितने दिन मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे खाना खाना होगा, जब तक हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, जिंदा है तब तक मुझे खाना खाना है एनर्जी के लिए, उसी तरह से लाइफ में मजे करने हैं, मौजे करने हैं, तो वी हैव टू डू इट राइट। तो आज का हमारा कार्ड है, तो इसके लिए क्या है, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड, यू कैन लीन ऑन इट, अपना भार पूरा ग्रैटिट्यूड पे, अपना भार पूरा हम ग्रैटिट्यूड पे डाल सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड हमारा भार वे पूरा सहन करता है। किसी और पे थोड़ा सा ऐसा टिकाओ, थोड़ा ऐसा हाथ रखो, थोड़ी देर के लिए तो बड़ा लाड लगेगा, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, 10 मिनट जाओगा, थोड़ा सरक ना मेरे पैर में झुंझुनी हो रही है, थोड़ा सा ठीक से बैठना, थोड़ा ऐसे करना हम कहेंगे, इज दिस करेक्ट 100%, वट एवर इट इज, आई नॉट, हम इसको ये नहीं करेंगे परसेंटेज में नहीं तोले, बट ये सही है, ये दिस इज ह्यूमन नेचर, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ऐसा है कि हम जितना उस पर अपना भार डालते हैं, जितना हम भार डालेंगे ग्रैटिट्यूड हमें उतना अपने गोद में लिए रहेगा पूरा एकदम, ये इस तरह से हमेशा बोलते हैं ना अबंडेंस वाले पोज में, हमेशा उतना हमें उठा के रखेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली थिंग जो हमको पार लगाएगा,
और अगर अब मेरे से पूछा जाए कि मैंने कितने दिन से शुरू किया यहाँ पर, मैं भी एक साल दो साल पूरा नहीं हुआ है, पिछले जून 1 जून 2022 को मैंने क्लासेस शुरू किया था ग्रेटिट्यूड का, उसके पहले जो करते थे लेकिन जो शिद्दत से मैंने शुरू किया था है ना, और आज कम से कम 6 महीने से तो मैं यहाँ, राजन सर ने मुझे मौका दिया है अपने क्लासेस लीड करने का, और मैं स्कूल्स में कितने बच्चों को जाकर के, स्कूल्स के टीचर्स को, इसको सबको, बहुत लोगों को मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया है, एफर्मेशंस के बारे में बताया है, मेरे अपने अपने प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, और लोग कितने वहां पर लाभान्वित हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, हम कैसे इसको ग्रहण करते हैं और किस तरह से इसको हम लेते हैं। बट देन ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, थैंक यू बोल देना ग्रेटिट्यूड करना नहीं होता है, दिल से निकलना है, वो दिल से आवाज आनी है। जब हम बातें भी करते हैं तो पता चल जाता है बातों में कि हम दिल से कितना बोल रहे हैं और कितना आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, ये पता चल जाता है ना, सब पता चलता है, किसी को पता चले ना चले अपने मन को मालूम हो रहा है, अपने मन को पता चल रहा है कि कितना हम कर रहे हैं। प्लीज अपने आप को सब कोई म्यूट करें प्लीज। तो आज का जो कार्ड है, प्लीज म्यूट कर लें अभी सब अपने आप को। अंशु जी मुझे कॉस्ट बना दीजिए। हाँ हाँ बनाती हूँ, आप एक बार हैंड रेस करने से मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मैं शेयरिंग में हूँ अभी। ये किया मैं, कहाँ दिख नहीं रहे मुझे आप एक मिनट, हाँ मैं बना रही हूँ अभी, थोड़ा मैं भी बहुत स्मार्ट हो गई हूँ आजकल। वाओ, कैसे पता है, सब सीख लिया लैपटॉप कर दिया हाँ जी, मैंने बना दिया कोस्ट आपको ताराचंद जी। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, आप चलो करिए, अनम्यूट करूँ अपने आप को। आप तो अनम्यूट है ना, मैं म्यूट थी शायद, अभी सुनाई दे रही मेरी आवाज आ रही है, चलिए ओके थैंक यू सो मच। तो जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस है आज तक, तो 7 दिन का कुछ कुछ प्रैक्टिस हमने किया है, आज 7th कार्ड हम पढ़ रहे हैं है ना, ये वाला। तो इसमें ऐसा है कि बहुत बताया कि पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखना है, ये करना है, अगर हम मैजिक बुक केस में भी जाते हैं क्योंकि बहुत नए पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ में, पहला है, सबसे पहला है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड राइट योर ग्रेटिट्यूड, जो हमारे आई एम ब्लेस्ड विद हमको ग्रेटिट्यूड लिखना। मैजिक रॉक का प्रैक्टिस बताया, मैजिकल रिलेशनशिप का प्रैक्टिस बताया, ठीक है, मैजिकल हेल्थ का प्रैक्टिस बताया, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए अपने लिए पहले ग्रेटफुल हो, पहले अपना पेट भरो, तब हम किसी और को फीड कर पाएंगे, किसी और को खिला पाएंगे, किसी और को दे पाएंगे, है ना। हम पहले अच्छे अच्छे चप्पल अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लगेगा कि दूसरों को भी दे दे, यार हम तो बहुत यूज कर लिए, बहुत पहन लिए, बहुत इस्तेमाल किए, चलो किसी और को देते हैं। अपने ही जब हम नहीं पहने, हम सोचते कि हम ग्रैटिट्यूड में है, चलो हम दे देते हैं, हम दे देते हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं हुआ। अपने मन को मत मारो, अपने मन को पहले खुश करो, अपने आप को खुश करो, तब दूसरे पर चलो, वो ज्यादा डिफरेंस लाता है। मैजिकल हेल्थ, मैजिकल मनी, है ना, ये सारा हम करते करते आए हैं। तो उसमें एक आता है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 टेंस हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में अगर ले लो भूतकाल, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, काल हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आज हम जो है, हमारा लाइफ जो है, मेरा बीता हुआ कल जैसा था उसके हिसाब से मेरा आज का दिन है, और आने वाला दिन भी मेरे आज के दिन पर, नाउ पर डिपेंडेंट है मेरे आने वाला दिन कैसा है। आज हम जिस इसमें है, पोजीशन में है, जो जिस हम लेके बैठे हैं, वो मेरा पिछला बीता हुआ दिन बता रहा है कि आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ में अगर बैठे हैं, आपका क्लास ले रहे हैं, अगर राजन सर ने मेरे पर भरोसा किया है, तो ये मेरा पिछले बीते हुए दिन है, महीने हैं, जो बता रहे हैं कि हम क्या थे, हमने क्या क्या किया है, जो आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं आप सबके सामने में, और हमारे आज जो हम करेंगे, आज जो हम रहेगा, आज का ये हमारा निश्चय करेगा
ये निश्चित करेगा कि मेरे आने वाले दिन कैसे जाएंगे मेरे। तो ये कुछ, अब ये फिर ये तो हो गया, चलो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक तो चुस्त रहता है पूरा टाइट स्केड्यूल, भागम भाग, ये दौड़ है, ये दौड़ है, वो जो अमिताभ अभिषेक बच्चन की जो मूवी आई थी, दौड़ तो दौड़ है, दौड़ है, दौड़ रहे दौड़ रहे, भाग रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे इंसान का लाइफ ऐसे ही है, दौड़ भाग में निकला। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड करना है, करना ही है, क्योंकि हम इस जर्नी में आ गए हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं इस जर्नी को, इस जर्नी में है, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। चलो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं साथ में, पूरा हाउस होल्ड थिंग्स, अगर कोई लेडी अगर कोई भी है, घर में भी काम करना पड़ रहा है, बाहर में भी जाके नौकरी करना पड़ रहा है, जो भी है जैसा भी है, हस्बैंड वाइफ पूरा अपने परिवार को चलाना है, सब कुछ को सबके साथ में चलना है, हमें दौड़ भाग करनी है, सारे अपने प्रैक्टिसेस भी जारी रखने हैं। एक दिन क्या मिलता है, सैटरडे, तो लगता है कि चलो यार आज थोड़ा सा वीकेंड है, वीकेंड मनाते हैं, वीकेंड मनाते हैं, फ्राइडे मना लिया, सैटरडे वीकेंड मना लिया। संडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, फुल एंड फाइनल आराम घर पे, है ना, फुल एंड फाइनल आराम घर पे संडे। तो संडे को जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं मॉर्निंग में, तो करना क्या है हमको, ये कार्ड, और इतना ब्यूटीफुली राजन सर ने डिजाइन किया है ये कार्ड्स, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है कि एक एक दिन अगर एक एक कार्ड उठा करके भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा लाइफ सेट है ना। जैसे दही सेट हो जाता है ना, उसके बाद में फ्रिज में डालो, निकाल के खाओ तो कैसा दही, एकदम कड़क वाली दही जो होती है, सेट वाली दही, मजा आता है। नहीं, वैसे ही लाइफ भी सेट हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, लाइफ एकदम मजे आ जाएंगे फिर, लाइफ कहना ही क्या। मुझे लग रहा है मैं सोनिया के साथ इंटरेक्ट करके बातें कर ले रही हूँ, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोनिया, लव यू। तो लग रहा है बड़ा इंटरेक्टिव सेशन जैसा लग रहा है। सच में मैम, जो फील आप बोल रहे हो ना, फील हो रही है और विजुलाइज कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप एक्शंस भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वन ऑन वन सेशन चला जा रहा है यहाँ पर, मैं आई एम इंटरेक्टिंग विद यू ओनली। सो संडे का है, तो एवरी संडे टेक अ मोमेंट टू लुक बैक एट द पास्ट वीक, जो बीता हुआ वीक है, बीत गया है ना, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। क्यों गुड थिंग्स ही क्यों बोला इसमें, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है सुनने में, जो अगर मेरी कोई तारीफ कर ले तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि वाह क्या उन्होंने बोला है, है? मजा आ गया यार, आज का तो दिन बन गया, मेरी तारीफ कर दी उन्होंने। अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो बड़ा मजा आया कि अरे यार गिफ्ट मिले, बम्पर लॉटरी मिल गई। अगर कुछ हमने खरीदारी की, शॉपिंग की, तो बड़ा मजा आया, अरे यार। तो हमें अच्छी अच्छी चीजें, इसलिए बोले कि गुड थिंग्स को ही ध्यान रखो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। कहते ना कि जब हम खुश रहते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और एनर्जेटिक रहते हैं जब खुश रहते हैं। तो अभी 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 के क्लास में सर ने बोला, सर राजन सर ने बोला कि डोपामाइन जो होता है, वो जब खुशी वाले जो ये निकलते हैं उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, तो अपने आप को और एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो हमें और काम करने का मन करता है, हम फुल, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें एनर्जी कूट कूट के भरी होती है, देखो एनी टाइम वो चलते नहीं है, वो उछलते रहते हैं, वो कभी भी दो पैर से चलते नहीं, वो दौड़ते रहते हैं, वो हमेशा ये जब तक सोते नहीं है तब यहाँ चढ़ा वहां चढ़ा, मतलब कोई टेबल चढ़ गए, बेड पे चढ़ गए, तो बाहर निकले तो दीवार पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए, मतलब कि वो कभी शांत नहीं बैठ सकते, वो एकदम दौड़ा भागी, इतनी एनर्जी भरी रहती है इसमें। वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी, उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, खाली खुशी है, खाए पिए मस्त मौला। और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे 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 पूरा एकदम हम इकट्ठा बटोरने लग जाते हैं, सब कुछ बटोरना चाहते हैं। छोटे बच्चे कुछ बटोरते नहीं है, जितना खाया खाया वहां में बिखेरा चले गए उठ करके, बटोरने वाला काम तो मम्मी करती है, जो बाकी जो इर्द गिर्द रहते वो करते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये वो, हम बटोरना चालू करते हैं, इतना हम इकट्ठा कर लेते हैं कि उसमें हम भूल जाते हैं कि कौन सी अच्छी चीज है और कौन सा बटोरना चाहिए और कौन सा नहीं बटोरना चाहिए, हम सब बटोर के रख लेते हैं। इसीलिए साल में एक बार कहते हैं दिवाली के समय में क्या होती है, सफाई होती है ना, सफाई करवाते हैं, क्यों दिवाली की सफाई बोलते हैं, क्यों नहीं उसको दुर्गा पूजा की सफाई बोलते हैं, दिवाली की सफाई क्यों बोलते हैं उसको, सब हम लोग साल में एक बार खाली करते हैं। इसीलिए गुड थिंग्स, उसमें क्या होता है, जब सफाई होती है तो अच्छे अच्छे जो हमें हमारे काम की अच्छी है उसको रखते हैं, बाकी सबको हम हटा देते हैं, जो हम बोलते हैं कचड़ा। इसीलिए बोलते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स। जो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वीकली देख रहे हैं अपने आप को, पहले तो दिन का हम पर कर ले रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रैक्टिस में है, और
वीक का जो बीता हुआ पूरा सप्ताह गया हमारा, मंडे टू फ्राइडे तक का, सैटरडे तक का, इनफैक्ट संडे मैजिकल रिचुअल्स बोला है इसमें, इस कार्ड में उन्होंने बताया संडे, क्योंकि संडे इज द लीजर डे, एकदम लीजर, और लंच भी नहीं करते हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, हम लोग सीधे ब्रंच करते हैं संडे को, यूजुअली होता है कि ब्रंच कर लेते हैं बोलते हैं, तो समय तो है ही अपने पास में, तो बीता हुआ जो पास्ट वीक है उसके सारे गुड थिंग्स हमने लिख लिया। नाउ बी थैंकफुल फॉर द हैप्पी एक्सपीरियंसेस। हम तो कहते हैं कि डेली तो हम कर लिए थैंक यू, अभी भी थैंक यू करें। आज आप विश्वास करो, पता नहीं क्यों ऐसे आया कि मैं वो लिखी हूँ सिर्फ और आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, लव यू पापा, इसको तो कम से कम आधा घंटा लिख डाली, क्यों लिख डाली मुझे नहीं पता चला, बस सीधा जर्नल उठाई और लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही तो लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ मालूम नहीं है। उसके बाद ध्यान आया कि थैंक यू यूनिवर्स, तो हर दिन बोलते हैं, इसका मतलब आज फिर अलग से विशेष क्यों लिखा, थैंक यू यूनिवर्स रोज बोलते हैं सुबह उठ के, बस लिखते चले गए। उसी तरह से थैंक यू तो पूरे सप्ताह का हम जो लिख रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन भी संडे को विशेष, एक एक रिचुअल होता है ना संडे को, जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, एक रिचुअल है संडे सूर्य की पूजा करना है, संडे को हम ब्रंच ही करेंगे, संडे को शाम को हम एकदम पूरा घर पे पूरा किचन बंद क्लोज, कहीं घूमने चले गए, बाहर से ऑर्डर कर लिए, खा लिए, दिस ऑल आर संडे रिचुअल्स। अरे आज संडे है, चलता है, सब चलता है, आज संडे है, आज संडे है, तो उसी तरह से संडे हमारे ग्रेटिट्यूड का भी एक संडे रिचुअल है ना। तो उसमें करना क्या है कि पूरे पास्ट जो बीता हुआ जो सप्ताह है उसका पूरा हमें लिस्ट बनाना है, अच्छी अच्छी बातें क्या हुई है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक का हमको लिस्ट बना लेना है, और जो भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसके लिए हमें थैंक यू विशेष लिखना है उस दिन। क्यों? क्योंकि अपने आप को हमको इस जोन में बनाए रखना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा भी हम थोड़ा इधर से उधर, कहते ना कि हम जब किसी जर्नी में निकले हैं, किसी टूर पे निकले हैं, तो मेरा टाइम टेबल गड़बड़ हो गया, तो मंडे टू सैटरडे कहीं कहीं टाइम टेबल कभी कभी गड़बड़ होता है, तो संडे के दिन अपने जो बिगड़े हुए टाइम टेबल को सुधारने के लिए ये एक्सरसाइजेस है जो हमें करना है। लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट वीक। टीचर्स का एक होता है, स्कूल में जो टीचर्स होती थी, क्योंकि मेरे घर मुझे एक्सपीरियंस इसलिए है कि हमारे यहाँ सारी टीचर्स हैं, और संडे को बैठ करके झट झट रात को 9 बजे बैठ करके सारी टीचर्स हमारे घर में कॉपी खोलती थी लेसन प्लान का और लिख लेती थी मंडे टू सैटरडे उनको पढ़ाना क्या है, करना क्या है क्लास में, क्योंकि मंडे को सबमिट करना है, उसमें स्टाम्प लगेगा, तब जाकर के अप्रूव होगा, वही पढ़ाना, पढ़ाती तो टीचर वही है जो अपने दिमाग में आता है उस समय क्लास में, लेकिन लेसन प्लान लिखना होता है और सबमिट करना पड़ता है। इसी तरह से ये मेरे जिंदगी का लेसन प्लान है, ये वो तो स्कूल का है और स्कूल की बात हो गई, ये ग्रेटिट्यूड और ये संडे मैजिकल रिचुअल्स में जो बताया है कि हमारे आने वाले सप्ताह का, ये मेरे लाइफ का लेसन प्लान है, ये हमको क्या प्लानिंग करनी है अपने इसके अपने वीक की, क्या प्लानिंग करनी है नेक्स्ट वीक, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर गुड थिंग्स हैपनिंग डन। अब हम क्या कहते हैं कि ये मेरा होने वाला, ये होने वाला है, हमें क्या लिखना है उस वक्त, ये मेरा काम हो गया है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैग्निफिसेंट आउटकम जो लगाते हैं। मंडे टू सैटरडे हमें नौकरी करनी है, मेरा बहुत ब्यूटीफुली गया है, बहुत अच्छे से मेरा ये पूरा वीक जाने वाला गया, हर दिन हम बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरा काम हो रहा है, हम बहुत मजे में, हम सारा काम एकदम सुचारू रूप से मेरा चल रहा है। एंड नाउ बी थैंकफुल फॉर द फ्यूचर हैप्पी एक्सपीरियंसेस, और जो फ्यूचर जो आने वाले सप्ताह में जो भी मेरे अच्छे अच्छे हैप्पीनेस मतलब कि जो भी एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं सबके लिए पहले से ग्रेटफुल होने का है, ना कि मेरा ये काम होगा तो हम नारियल चढ़ाएंगे, मेरा ये काम हो जाएगा तो हम जाके प्रसाद चढ़ाने वाले हैं, 1.25 रुपया का प्रसाद, अरे कम से कम एक, कम से कम तो 11 रुपये का बोलो, नहीं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ा लेंगे, तो भगवान भी 1.25 रुपये तो कहीं दे देता है, कहता है कि चलो भैया तू 1.25 रुपये के लायक हो तो 1.25 रुपये लायक ही मिलेगा तुमको, इतने में इतना ही है ना, इतने में इतना ही। हमारे उड़िया, हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में एक उड़िया चैनल आता है, उसमें एक मीम जैसा आता है, एक लेडी कार्टून जैसा होता है, वो आके सारा कुछ बताएगी कि आज का क्या है, आज का क्या है, वो चटपटा समाचार बताएगी, फिर लास्ट में ये बोल के चली जाती है कि इतने में इतना ही करती है वो, तो जितना हम करेंगे उतना ही, जितना हम एक्सपीरियंसेस में के लिए थैंकफुल होंगे उतना ही हमें मिलेगा, जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे हमें उतना ही मिलेगा,
ज्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड करने के लिए इसका कोई लिमिट नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, कोई नंबर नहीं है, काउंट नहीं है, भूल जाओ जितना फास्ट चाहिए। अभी जो क्वेश्चन था सबका आंसर्स भी इसी में मिलता जा रहा है कि जितना आप ग्रेटफुल होगे, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, निस्वार्थ करोगे, उतना जल्दी मिलता चला जाएगा। इसमें ग्रेटिट्यूड में स्वार्थ और निस्वार्थ कहाँ से आया? स्वार्थ और निस्वार्थ, फिर वही जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो निस्वार्थ है। और जहां हम कैलकुलेटिव होते हैं, वो जहां कैलकुलेट होते हैं स्वार्थी हो जाते हैं वहां पर। ये इतना ग्रेटिट्यूड है तो हम तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमको तो इतना तो कम से कम हो ही जाना चाहिए मेरा काम, है ना। तो ये है, हम जितना करेंगे ग्रेटिट्यूड उतना हमें मिलेगा। Now be thankful for the future happy experiences you have now created and the future you are satisfied that all is well. ये all is well बोलते ही ना वो three idiots वाली movie ही याद आती है। उसमें हर वक्त हमेशा बोलते थे all is well, all is well, all is well। बड़ा मजेदार लगता था। जब picture देखे ना समझ में नहीं आई, हाँ ठीक है चलो all is well तो all is well बोलने लगे। लेकिन इस gratitude के जो journey में आए हैं, हर एक मूवी का हर एक जो देखते हैं ना, लगता अरे कितनी ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहा है यार उसमें, अरे ये कितनी ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहा है ये। और हम तो बोलते हैं कि भी ये देखो ये देखो ये देखो, हर मूवी ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें ग्रेटिट्यूड की बातें नहीं करी है लोगों ने। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, पर्सनैलिटीज हैं, एक है हम अपने क्लास में बताए थे, एक है प्रोग्रेस, एक है ग्रोथ और एक है सक्सेस। सक्सेस तभी होगा कि ये ग्रोथ और प्रोग्रेस सबके साथ में, जब ह्यूमैनिटी, जब हमारा ग्रेटिट्यूड और सब हमारा एटीट्यूड सब रहेगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज सेज आई एम, इतना मतलब कि हम्बल ऐसे बातें करते हैं कि उनकी बातों से उनको मतलब पता चल जाता है कि व्हाट दे आर लाइक। अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग रहता है कि वो कुछ बोले ना बोले बस हम बैठ के लगता है कि हम देखते रहे उनको, बैठ के लगता है कि हम देखते रहे कि कब कुछ बोल देंगे। वो एक शब्द भी बोल देते हैं तो लगता है कि अरे वाह। रजनीकांत का ही ले लो, द सुपर स्टार तलाइवा रजनी सर, तो वही कहते हैं ना कि वो अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज वेरी सिंपल, द पर्सन इज वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ एंड सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। कुछ नहीं, अगर वो एक, वो अभी बता रहे थे रिसेंट एक इसमें देख रहे थे कि वो कहीं गए किसी मंदिर में, वहां पे जब ऐसे जाते रहते हैं तो जब वहां पे डाल रहे थे, डोनेशन भी डाल रहे थे, तो वो जैसे कि उनका रहता है हमेशा ना, ही वॉज अ बस कंडक्टर बिफोर ही एंटर्ड इन टू दिस पिक्चर जर्नी। तो वो जहाँ कंडक्टर्स का सुनते हैं, जैसे कि ये हाथ में जो फोल्डेड स्लीव रहता है वहां से निकाल के, उनका आदत रहता है वहीं पर हमारा सारा पैसा वैसे रखने का, वहां से निकाल के देते हैं तो डालते हैं वहां पर। तो वो अपना जो है भाई, हम यहीं रखे हैं, हम यहीं पर हैं अभी भी। सो सिंपल इंसान। तो वो कुछ भी करता है तो लोग वाह क्या बोला, क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है, देखने में बहुत क्या, बहुत कुछ है, इट्स वेरी सिंपल। टॉल डार्क हैंडसम बोलेंगे, बस टॉल डार्क हैंडसम बोल सकते, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सुंदर है, बहुत ऐसा ये है वैसा, कुछ भी नहीं, इट्स ओके, वेरी नॉर्मल पर्सन। बट देन वो जब अगर आ जाता है तो एक ऑरा बन जाता है, वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। एक शब्द भी बोलता है कि नमस्ते बोलते भी है तो भी लगता है कि फिदा हो जाते हैं, वाओ क्या कितने इसमें बोला नमस्ते, वाओ कैसे बोला ये। तो ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। हम लोग को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। So, कहते हैं ना ऑल इज वेल, और पूरे आने वाले सप्ताह के लिए हम पूरा ग्रेटफुल हो जाएं और सबके लिए यही बोले कि यस ऑल इज वेल, सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, राजन सर का पेटेंट डायलॉग है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, ऑल इज वेल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, यस आई वॉट, मैं जो सोचता हूँ वो होता है, मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है ना। तो ये gratitude in advance is the most powerful creative force in the universe. Gratitude in advance, हम क्या सोचते हैं कि पहले काम हो जाएगा तब हम gratitude करेंगे, तब हम grateful हो जाएंगे। काम नहीं बना तो नहीं होंगे, काम नहीं बनेगा तो नहीं होंगे। हम मन्नत मांगे हैं मेरा होगा पूरा करेंगे, नहीं हुआ
नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्स बेचारा ये नहीं सोचता, ऊपर वाला भगवान ये नहीं सोचता है, वो सोचता है कि नहीं, अगर मेरा साथ ये नहीं हुआ है तो कुछ अच्छा मेरे लिए है। इस पर भी हम लेंगे अमृता का, आज ये भी लेंगे, क्योंकि इसका मुझे सब कुछ पता है, क्या क्या हुआ उसके साथ सब कुछ पता है, हर बार वो क्रॉल करती थी, एंड होपफुली शी विल टेल, अपने मुंह से बताएगी क्या उसके साथ में क्या हुआ, अरे ऐसा हो गया, बोले कोई बात नहीं है, समथिंग इज बेटर फॉर यू, समथिंग इज देयर इन योर झोली, एडवांस में तुम्हारे है, डोंट वरी, डोंट वरी, इट विल हैपन, वन डे यू विल रॉक। सो gratitude in advance is the most powerful creative force in the universe. ये power क्या है हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ अपना काम करना है, gratitude करना है, सिर्फ दिल से करना है, feelings बहुत जरूरी है, gratitude करने के लिए feelings बहुत जरूरी है। Holidays and vacations are about fun and happy moment memories. हम holidays में और vacations में जाते हैं, ध्यान कहीं और लगा रहता है हमारा, अरे जब जो मौका मिले, जो हो गया है हमारे साथ में, सबके लिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट करो। अश्विन मैम हमेशा कहती कि छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी खुशियां आई है उसको भी सेलिब्रेट करो, मस्त में नींद अच्छी हुई है उस पर उठ के, वाओ कितनी अच्छी नींद हुई है, वाओ मजा आ गया यार, मस्त चुस्त सो के उठे, सेलिब्रेट इट, यस, छोटी छोटी चीजें, कुछ बड़ा होगा हम सेलिब्रेट करेंगे, ना वो बड़ा कभी होगा ना हम सेलिब्रेट करेंगे, तब तक ये हम भूल भी जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, कुछ याद भी नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पास्ट हैप्पी हॉलीडेज एंड फील द मेमोरीज, ये एक्सरसाइज है जो करना है। पास्ट के लिए हम ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, मनी के लिए भी अगर करना होगा तो वी हैव टू राइट वॉट एवर पास्ट में हमने मनी स्पेंड किया है, चाहे मनी हमें मिला है, उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करना है। उसी तरह से हमारे पास्ट वेकेशंस, हैप्पी हॉलीडेज, जो भी मेमोरीज हमारे हैं, सबको हम बैठते हैं तो क्या, अभी भी हम लोग जब कजन्स, अभी जब बच्चे हैं तो बच्चे हैं, जब बड़े हो गए, अभी जब सारे कजन्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, अब फ्रेंड्स मिलते हैं तो स्कूल की बातें करते हैं, कॉलेज की बातें करते हैं, अभी जब हम परिवार वाले मिलते हैं तो अपने बचपन की बातें करते हैं, अरे तू कैसे करता था पता है, तू ऐसे करती थी पता है, तुम तो ऐसे ही भाग जाती थी, बिना पैर के चप्पल भी नहीं होते थे, तो यहाँ में एक बार गिरी थी पता है, कैसे चोट लगी थी, हाँ करके हंसने लग जाते हैं, अब हंसी भी आती है, उस वक्त रोए होंगे गिरे होंगे, तो बड़ी छोटी छोटी चीजों को याद करके बड़े एकदम खुश होते हैं, है ना। तो वो सारे चीज के लिए ग्रेटफुल होना होगा कि वाओ कितनी खुशी होती थी उसमें, हम एक मतलब कि एक पेंसिल अगर दिख गया तो कितने खुश हो जाते थे, नया पेंसिल आया तो कितने खुश होते थे कि वाओ यार कितना नया पेंसिल, उसको छीलने में ना वो पेंसिल को शार्पन करने में बड़ा एकदम कलेजा निकल आता था, अरे यार नहीं मेरा पेंसिल छिल जाएगा तो छोटा हो जाएगा, नहीं 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 उसको सहेज के हम रखना चाहते, फिर तो लिखना ही है ना, करना ही है। So be grateful for every past memories, past happiness, past holidays, जो भी कहीं भी गए हैं सब के लिए लिख डालो। One hour gratitude, concentrated gratitude बोलते हैं ना, focused gratitude जो बोलते हैं, हमें कब मेरे को आने वाले दिन बहुत अच्छे होने, बहुत अच्छा होना है मेरे साथ में, तो ये focused gratitude करना जरूरी है। कब तक करेंगे, जब तक आपको खुशी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं इतने में इतना बहुत है मेरे लिए, इतना काफी है तो छोड़ दो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जितना दिन चाहिए उतना करो, जितना नहीं चाहिए छोड़ दो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस यू वुड लव टू विजिट एंड व्हाई यू वांट टू विजिट। ये अगर हमें घूमने जाना है तो मेक अ प्लेस ऑफ, जो पिछला बार जो हम घूम के आए हैं सबके लिए, उस सबके लिए पास्ट के लिए करो, और हम जो घूमने जाना चाहते हैं उसके लिए लिखो, उसके लिए पूरा हो जाओ। आज जैसे अमृता बताई सिंगापुर एयरलाइंस के लिए, इंडियन एयरलाइंस, मतलब जहां जहां के एयरलाइंस के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, जिस जगह के लिए, सबके लिए वो थैंक यू कर रही थी, सबके लिए ग्रेटिट्यूड लिखी, भर भर के लिखी, और कॉपी मुझे दिखाया, आई एम द विटनेस, इसीलिए मुझे मालूम है कि वो कितना लिखी है, मुझे पता है, मैं बता पाऊंगी, अगर वो नहीं बताती तो मुझे भी नहीं आता, हाँ ठीक है ओकी है, ओके ओके ओके, इसलिए आज मुझे उतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो दीज आर द थिंग्स, चलो अभी इसको हम लोग आज एक ही कार्ड लेते हैं। शुक्रिया दिल से, शुक्रिया शुक्रिया।